हाय फ्रेंड्स, तो ये प्रिंसेस कट की ब्लाउज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोट नेक के साथ। तो इसे बोट नेक भी नहीं बोल सकते हैं। और ये 32 नंबर की ब्लाउज थी और फ्रंट और बैक बोट में बिल्कुल सेम ही होता है। और ये साइड बटन है, इसमें मैंने जिप नहीं लगा करके बटन ही लगाई हूँ मैं, क्योंकि जो जिप वाला है ना, जल्दीबाजी में अगर आप जल्दी से प्रेस करके खींचते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें बटन का ही यूज किया है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट है ब्लाउज, और सिल्क साड़ी के लिए ब्लाउज था। इसकी साड़ी भी बहुत अच्छी थी। तो बोट नेक के साथ ये ब्लाउज है और ये इसका बैक का पार्ट है। बैक में भी सेम, बैक और फ्रंट सेम नेक था बोट नेक की गहराई जो है वो उतना ही थी। इसकी जो चौड़ाई है नेक की वो मैंने कम कर दिया था, क्योंकि ये 32 नंबर की ब्लाउज थी तो ज़्यादा गहराई पे वो गिरने लगता, तो इसलिए। तो अब हम पहले फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो 16.5 इंच हम इसकी लेंथ ले लेंगे और 32 नंबर है तो हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। इसकी चौड़ाई हम 8 इंच में ले लेंगे और तीरा हम इसकी 6 इंच पे रखेंगे, 6.25। और इसका आर्मोल भी हम 6 इंच ही रखेंगे। और आधा इंच हम आगे से डाउन करेंगे। ये देखिए, आधा इंच बोट नेक में क्या होता है ना, इसमें हम आधा इंच डाउन कर देंगे। बोट नेक में अगर आप इसकी जो चौड़ाई है नेक की 7 इंच लेते हैं तो आपको 1 इंच तक डाउन करना होगा। मैं लेकिन मैंने यहाँ से 6 से 6.25 लिया है, तो मैंने आधा से भी कम इंच इसमें डाउन किया है। तो इसकी चौड़ाई देखिए 4 इंच मैं रख लूँगी और इसकी गहराई भी हम 4 इंच ही रखेंगे। जो नेक की लेंथ है वो भी हम 4 इंच ही रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम इसे बोट नेक का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक पे भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमने लाइनिंग वाले को कटिंग कर लिया था, अब हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो प्रिंसेस कट बनाएंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ से हमने मार्क किया है, और यहाँ से हम 1 इंच रख लेंगे। और उसके बाद इस तरह का हम शेप दे देंगे। ये देखिए, और शेप देते हुए हमें आर्म होल तक इसे ले जाना है। आर्म होल के पूरा बीच तक हमें इसे खींचना है। इसके बाद हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। और आधा इंच हम वहाँ ऊपर से भी डाउन करेंगे। उसके बाद जहाँ से हमने मार्क किया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बैक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को हम सेट करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख लेंगे। सेम उसी तरह से करना है। इसकी भी जो तीरा है वो 6.25 इंच रखना है, 6 से 6.25 इंच रख लें। और इसे भी हम आधा इंच डाउन कर देंगे। और इसकी जो आर्महोल की गहराई है वो हम 1.5 इंच लेंगे। फ्रंट वाले में हमने 1 इंच लिया था।
और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसी की जो नेक की कटिंग थी उसी को ला करके हम इसमें मार्क कर लेंगे। इस बार हमने दोनों को सेम कट कर दिया है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। उसके बाद अब हम इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और साइड से भी अगर अनइवन फैब्रिक है तो उसे भी कट कर लेंगे। और ये हमारा कटिंग हो चुका है, ये देखिए। अब इसकी स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे, तो पहले हम इस प्रिंसेस कट को खोलते हैं, जो ब्लाउज हमने कटिंग किया है उसे खोलते हैं और जिस तरह से हमने कटिंग किया है उसी तरह से इसको जोड़ देना है। जहां से हमने मतलब कट किया है वहीं से इसे जोड़ देना है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ इसको। और इसकी सिलाई लगाते हुए बाहर आ जाना है। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है, इसकी स्टिचिंग मैंने एक साइड की कर ली है। अब दूसरे साइड को भी इसी तरह से जोड़ देना है। तो ये देखिए हमारा मेन जो फैब्रिक है वो मैंने सिल लिया है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी इसी तरह से सिल लेंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक को सिला है। तो एक साइड का हमारा ये भी हो चुका है, दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखें। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे। मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और लाइनिंग वाले को उल्टा करके रख लेंगे। और हम इसकी नेक की भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम नेक पे लाइनिंग वाले जो साइड है उस पर सिलाई लगा लेंगे, लाइनिंग को खोल करके, और फिर हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा नेक तैयार हो गया है। उसके बाद अब हम पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेंगे और दोनों फैब्रिक को हम सेट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक वाले पार्ट की सिलाई करेंगे, तो उसको भी हमने सीधा करके मेन फैब्रिक जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको रख लेंगे। इसके ऊपर से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख लेंगे और नेक पे हम सिलाई लगा देंगे।
और थोड़ी थोड़ी दूर पे हम कट लगा देंगे। कट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ निकल के आती है। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक वाला जो पार्ट है वो भी रेडी हो चुका है और उसके भी नेक पे हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके भी कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब पूरे में हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक और फ्रंट दोनों के कंधे की सिलाई कर देंगे। कंधे पे हमेशा दो बार सिलाई लगाएं। जब हम आर्महोल के साइड में सिलाई की थी मैं उसे खोल रही हूँ ताकि हमें कंधे जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये घूम तरह से कंधे की सिलाई होती है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है तो आप उसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल उल्टे साइड से भी आपको फिनिशिंग के साथ जो सिलाई है वो आएगी। पता ही नहीं चलेगा कि उल्टा कौन सा साइड है। अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगा लेंगे। पहले हम नीचे से इसकी सिलाई कर लेते हैं और बैक वाले पार्ट में जो प्लेटें हैं वो डल लेंगे। ये हो गई है। बैक वाले पार्ट में भी हमने प्लेटें डल ली है। अब उसके बाद हम नीचे से भी इसकी सिलाई कर देंगे। आधा इंच तक फोल्ड कर देंगे। अब देख सकते हैं बैक और फ्रंट में दोनों में फिनिशिंग आई है। इस तरह से जब आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो उल्टे की साइड से भी आपको पूरी फिनिशिंग मिलेगी। एक तो क्या होता है जैसे आपने कट किया है उसी तरह से दोनों दोनों को पकड़ के लाइनिंग को भी और मेन फैब्रिक को भी पकड़ के आप सिल देंगे तो उल्टे साइड से उसकी इतनी फिनिशिंग नहीं आती है जितनी फिनिशिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसकी हम फिटिंग के जो भी निशान हैं वो लगा लेंगे। 16 इंच पे हमें लगाना है तो 16 इंच नाप करके और हम लगा लेंगे। अब हम इसकी एक साइड जो बटन लगाएंगे इसकी सिलाई कर रहे हैं तो एक साइड में हमें बटन लगाना है तो 2 से 3 इंच तक हम इसके ऊपर से सिल देंगे आर्महोल के साइड से और नीचे हम खुला छोड़ेंगे क्योंकि उसमें हमें बटन लगाना है।
और एक साइड में हम पूरा फोल्ड करते हुए और इसकी सिलाई लगा देंगे। तो हम बटन के लिए बना लेंगे इसकी हुक। और इस तरह से हम पूरा सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा तैयार हो चुका है ये। अब हम इसकी जो काज बनाएंगे उसके लिए इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी के लिए मैं पहले सोच रही थी लाइनिंग वाला लगाऊं, लेकिन लाइनिंग वाला बहुत ही ज़्यादा मुझे पतला लग रहा था। तो जो सेम फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट है, सिल्की है, तो मैं सोच रही थी इसी का लगा दूँ। तो मैंने इसी का लगाया है, लेकिन फैब्रिक कम था तो मुझे इसमें ज्वाइंट करना पड़ा। वो ज्वाइंट अंदर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, इसको हम सिल लेते हैं। उसके बाद हम जितना मुझे चाहिए उतना रख करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दूंगी और इसी को फोल्ड कर दूंगी। फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट था क्योंकि ये सिल्क की फैब्रिक है। और कोई फैब्रिक होती तो आप उसे नहीं लगा सकते थे क्योंकि काफ़ी मोटा हो जाता है या चुभने वाला इस टाइप का। तो ये सॉफ्ट है, बिल्कुल लाइनिंग जैसा ही था। सिल्क की फैब्रिक ऐसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, तो यही मैंने सोचा कि इसी को मैं लगा दूँ। तो उल्टे साइड में जो हमारा उल्टा साइड वाला जो पार्ट है उसमें हम इसको अटैच करेंगे क्योंकि काज हमें उसी में बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें हाथ का काम है, तो हम हाथ का काम से इसमें काज बटन लगा लेंगे और इसमें स्लीव भी अटैच कर लेंगे। और स्लीव अटैच करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया था, जो कि बहुत ही प्यारा था। अब देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज बन के आया है, प्रिंसेस कट ब्लाउज। अब बनाने का तरीका मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।